26 जनवरी दी पहले अहमियत समझ लो, फिर गल समझ लो, तो फिर अपना फीडबैक दे के अपने विचार समझा देना जरूर। इन्नी तुहानू करदे हां छोटी जी बेनती नवें साल दे विच, पहले नवें साल दीआं वधाईआं तुहानू सारिआं नू, सुखां भरिआ नवां साल आया, देश की आर्थिकता किसी तरह की सट ना बजे, अखंडता किसी तरह की सट ना बजे, सरबत का भला रवे। एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी यूट्यूब चैनल इस गल दे उत्ते पहरेदारी दिंदा है और दिंदा रहेगा, निरपक्षता का साथी जगमोहन सिंह भट्टी। और एक बेनती होर थोड़े वास्ते कि तुसी नवा साल चढ़ा लिया है, चंगा बना लिया है, तो अज एक बड़ी अच्छी गल हुई कि मेरी यूपी दे विच ये गल चल रही सी झांसी दे विच कि उत्थे गुरद्वारे दे विच रात नूं प्रोग्राम होए, जिवें गुरद्वारा सीसगंज साहब दे विच देखे प्रोग्राम, रकाबगंज साहब दे विच देखे, होर कई गुरद्वारियां कई शहरां विच देखे। उत्थे उन्होंने कहा 5-7 साल तों यह रुझान वध रहा है, क्लबां विच जाण दी बजाए लोग गुरद्वारियां विच आ रहे ने, ते सनातन फिर सुत्ता रह गया। उन्होंने मंदरां दे विच अजे कोई प्रोग्राम नहीं किए जिवें सिखां ने प्रोग्राम किए उलीके। ये सिखां दी खालसाई निशान दी एक अहमियत उजागर हुई, ते सनातन दी जिहड़ी है ये एक रौला गोला एक सामने बन के रह गया, ते किसे तरह भी कोई सेहत ना दे के किते नाल कह गया। ये तुसीं सोच लिओ, विचार लिओ, गल इन्नी कु तुहाडे नाल करदा। अज हुण गल कर लईए 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होया सी, जिहदा जिहड़ा नवंबर 1949 दे विच संपूर्ण होने तो बाद इहदी इंप्लीमेंटेशन जिहड़ी सी 26 जनवरी 1950 वास्ते जिहड़ी निर्धारित की गई सी। और तुसी ये देखो, देश की कुरबानी दे विच बंगाल ते पंजाब दीआं अथाह कुरबानियां, और बाकी देश नूं आज़ादी मिल तां गई भंग दे पाड़े, इन्हां नूं आज़ादी दे करम दा ही नहीं पता, ये किते रहमो करम ते ने इन्हां नूं खुद नूं ही नहीं पता। ते अज तुसी देखो बंगाल ते पंजाब दी जदों गल हुंदी है, ते राष्ट्रगान दे विच ये गल साफ ते स्पष्ट तौर ते उभड़ के सामने आती है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रावड़े उछगल चंगा। बंगा जदों शब्द आउंदा है पंजाब तो शुरू हो के बंगाल, ते उहदे विच सिमटदा सारा हिंदुस्तान, जिस नूं अज तुसीं इंडिया कहिंदे हो जां भारत कहिंदे हो संविधान दे मुताबक। हुण तुसीं ये देखो, इस सोच नूं ढा लाने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग दे विच कौन कौन शामिल है। अज पंजाब दी ते बंगाल दी जिहड़ी चंकी है उहदे उत्ते काले बदल मंडला रहे ने। जे ये काले बदल मंडला रहे ने, उहनां दीआं चंकियां नूं परमिशन नहीं दित्ती जा रही पिछले साल वांगू शमूलियत दी 26 जनवरी दी परेड दे विच, ते फिर तुसीं राष्ट्रगान नूं भी जिहड़ा है ये दो शब्दां नूं अलग करके गालोगे। इस मोदी सरकार दे सामने ये है सवाल, ते इस दा जवाब जिहड़ा देश दे लोगां ने लैना। देश दे लोग जे लै सकणगे, जरूरत होएगी तां उह लै लैणगे, नहीं तो 5 किलो अनाज उत्ते विक जाणगे। उज्वला जिहड़ी योजना आई है 450 रुपए दी सिलंडर जिहड़ी है, ये देश की आर्थिकता नूं कमज़ोर कर रही है। मोदी जी, जे देश के लोगों नूं आर्थिकता देनी है तो उन्हां नूं रुजगार दिओ, जिहड़ा 20 करोड़ रुजगार तुसी अपनी पोटली विच सांभ के बैठे होए हो पिछले 10 साल तो, ते जिन्यां दा रुजगार गया है उस नूं जे कुल मिला लिया जाए सारा कुछ, ते तुहानूं ये जिहड़ा 5 किलो फी व्यक्ति परिवारां दे विच अनाज वंडन की जरूरत ना पैंदी, लोग तुहानूं हस के टैक्स देंदे। तुहाडी जिहड़ी फाइनांस मिनिस्टर है ताई उहनूं यही नहीं पता, निर्मला सीतारमण नूं, कि इकोनमी की हुंदी है। जे सिखनी सी इकोनमी ते प्रधानमंत्री पूर्व डॉक्टर मनमोहन सिंह आज तुहाडे कोल सन पिछले 10 साल तो,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ? ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ, ਵੜ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਗਾਓਗੇ ਨਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਈਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਝਾਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਨਵਾਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜਾਂ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡਿਓ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਵਉੱਚਤਾ, ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਨਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ।